हेलो एंड वेलकम टू आरएलआर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस कमाल की वीडियो से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे खूबसूरत फीचर्स को कैसे यूज किया जाता है। जी हां, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल के अंदर उन खूबसूरत फीचर्स में से एक है जो आपको कंडीशन के बेस पर कलर से हाईलाइट करके किसी सेल्स को या किसी डेटा को कैसे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज को करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करेंगे और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड करीब करीब जो है आपको 6 से 7 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अलग अलग तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना सिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको जो डिफॉल्ट फीचर दिया हुआ है उसके साथ भी और कुछ नए नए रूल्स के साथ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे बेहतर तरीके से हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सो हम ये खूबसूरत फीचर स्टार्ट करने सीखना, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं तो हमेशा ही आपके लिए ऐसे खूबसूरत फीचर्स लाता रहता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी एक एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। तो मैं क्या करता हूं उसके लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाने के लिए मैंने यहां पर एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है, जहां पर एक डेटा के अंदर एक डेट है जिस डेट के अंदर मैंने अलग अलग डेट्स लिखी हुई हैं और एक कंट्री है। मैंने यहाँ पर इस कंट्री के कॉलम के अंदर अलग अलग कंट्रीज लिखी हैं और उन कंट्रीज के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग शहरों में कितनी कितनी सेल्स हुई हैं, इनका रेशियो जो है मैंने एक रिकॉर्ड सा बनाकर, छोटा सा रिकॉर्ड बनाकर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि इनके बेस पर, इन डेटा के अंदर किसी कंडीशन के बेस पर कलर से हाईलाइट करके डेटा को फिल्टर करना है। तो हम कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर, ये चीज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी डेटा के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स के ऊपर सिलेक्ट करता हूं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाता हूं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और जिन भी ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो अलग अलग तरीके के ऑप्शन आपके सामने नजर आने लगते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि हाईलाइट सेल रूल्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कैसे यूज करते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा इसके अंदर, तो आप देख रहे हैं यहां पर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं इन सभी ऑप्शंस को आपको वन बाय वन सिखाता हूं। तो कभी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और चूंकि मैं हाईलाइटेशन से रिलेटेड रूल्स अप्लाई करना चाहता हूं अपने इस डेटा के अंदर, तो वो काम मैं करता हूं। तो इसके लिए मैं क्लिक करूंगा हाईलाइट सेल रूल्स और सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर देन। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा और इस पॉपअप बॉक्स के अंदर मैं बता सकता हूं कि मैं कितने से ज्यादा बड़ी वैल्यूज को कलर से हाईलाइट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि जनवरी के अंदर किन किन लोगों ने या जिन जिन लोगों ने 1000 से ज्यादा की सेलिंग की है उनको कलर से हाईलाइट कर दो, तो मैंने सिलेक्ट किया यहां पर। क्योंकि मैं यहां पर ग्रेटर देन यूज कर रहा हूं तो इसलिए मैं जो भी यहां पर वैल्यू सिलेक्ट करूंगा उससे ऊपर की जितनी सेल्स होगी उनको कलर से ये हाईलाइट करेगा। और उसके बाद वो वैल्यू दे देने के बाद आप यहां से वो कलर चूज कर सकते हैं जिस कलर से आप इसके अंदर हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट या फिर येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल पहला करता हूं लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, उसके बाद मैं करता हूं ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि ये उस पूरे सेल रेंज के अंदर से जिन जिन्स का सेलिंग अमाउंट 1000 से ज्यादा है उनको विजुअल इफेक्ट देते हुए वो कलर से हाईलाइट कर देगा। सेम एज इट इज अगर मैं चाहता हूं कि मैं लेस देन का यूज करके दिखाता हूं कि आप लेस देन का यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा और मैं चाहता हूं कि 1000 से कम जिन जिन लोगों ने सेल की है उनको कलर से हाईलाइट कर दो और मैंने वो वैल्यू लिख दी। उसके बाद जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं वो आप कलर सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे तो आपके उन वैल्यूज के अंदर वो कलर हाईलाइट हो जाएंगे जिन्होंने 1000 से कम की सेलिंग की है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है कि आप अगर ये देखना चाहते हैं कि भाई 800 से लेकर 1500 के बीच में किन किन लोगों ने कितनी कितनी सेलिंग की है तो उनको कलर से हाईलाइट कर दिया जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाता हूं, हाईलाइट सेल रूल्स और बिटवीन के ऊपर चेक मार्क लगाता हूं। जैसे ही देख रहे हैं इस बार हर बार जो है एक ही पॉपअप बॉक्स आता था जहां पर आप एक वैल्यू को डिफाइन कर पाते थे, यहां पर 2 आ रहा है। मैंने कहा कि भाई मुझे 500 से 1200 के बीच में जिन्होंने जितनी जितनी सेल्स की है उनको कलर से हाईलाइट करो, तो जो भी आप कलर यहां से चूज करना चाहते हैं वो कलर आप यहां से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा लाइट रेड फिल और उसके बाद ओके कर देंगे तो वो देख रहे हैं लाइट रेड फिल कलर से वो
हाईलाइट हो जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आता है सबसे पहले एक बाद में इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर अगर किसी ने एक्यूरेट 1000 की सेलिंग की हो तो उसी को कलर से हाईलाइट किया जाए, बाकी की सबको छोड़ दिया जाए। एक्यूरेट यहां पर नो लेस देन ग्रेटर देन नो बिटवीन, यहां पर हम एक्यूरेट के लिए क्या करेंगे इक्वल्स टू का यूज करेंगे और जिसको भी आप एज अ हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं 1000, अब 1000 मैंने सिलेक्ट किया तो प्रीव्यू में यहां पर किसी का भी कलर सेल जो है कलर से हाईलाइट नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि कोई भी सेल के अंदर 1000 वैल्यू नहीं लिखी है। अगर मैं चाहता हूं 792 को करूं तो मैं यहां पर लिखूंगा 792 और उसके बाद देख रहे हैं आप ऑटोमेटिकली प्रीव्यू के अंदर एक कलर से ये हाईलाइट हो चुका है। अब कौन सा कलर इसके अंदर आप देना चाहते हैं वो आप कलर यहां से दे सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहे रेड बॉर्डर दे सकते हैं व्हाटएवर। आप ज्यादा बेटर होगा कि आप कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाएं और यहां से फिल ऑप्शंस या फिल टैब के ऊपर क्लिक और यहां से जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं वो कलर आप दे दें। लाइक मैं ये वाला रेड कलर देता हूं, ओके करता हूं, ओके करता हूं, तो यहां पर आप अलग तरीके से रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। इसके अलावा इसके अंदर आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इट मींस कि अगर मान लीजिए आप कंडीशन के बेस पर किसी टेक्स्ट को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि इस कंट्री वाले कॉलम के अंदर से मैं यूके को हाईलाइट कर दूं, मैंने यूके सिलेक्ट किया, आप जिस भी कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट है। मैं कस्टम फॉर्मेट में ज्यादा बिलीव करता हूं, यहां से आप जो है और भी अच्छे अच्छे कलर दे सकते हैं। और अगर आपको और भी अच्छे कलर देने हैं इफेक्ट्स के साथ देने हैं तो आप इस फिल इफेक्ट्स के ऊपर जाए, फिर यहां पर देख रहे हैं आप दो अलग अलग कलर मर्ज करके इफेक्ट्स और भी अच्छा 3D इफेक्ट दे सकते हैं। कैसे देंगे, मैं पहले कलर के अंदर चूज करता हूं आपका ये वाला कलर और दूसरे कलर के अंदर चूज करता हूं मैं आपका ये वाला कलर। अब देख रहे हैं आप, अब ये जिस तरीके से भी आप इनमें से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वर्टिकल डायगोनल अप या डायगोनल डाउन या फॉर्म फ्रॉम कॉर्नर, जिससे तरीके से भी आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो उस तरीके से कलर चूज में आ जाएगा और सैंपल के तौर पर दिखेगा कि ये सेल जो है जो भी सेल होगा यूके वाला वो इस कलर से दिखेगा। मैं ओके करता हूं और उसके बाद दोबारा ओके करता हूं, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है एज ए ग्रेडियंट। जब आप ग्रेडियंट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो वो ज्यादा खूबसूरत तरीके से नजर आते हैं। मैं ग्रेडियंट में ज्यादा विश्वास रखता हूं क्योंकि वो मुझे खूबसूरत तरीके से मुझे दिखाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप डेट के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि अगर आपके डेटा के अंदर कहीं डेट है और उस डेट के अकॉर्डिंग आप सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इस पूरे रेंज को सिलेक्ट किया और उसके बाद डेट और डेट ऑकरिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहां पर जब आप डेट सिलेक्ट करते हैं तो डेट के भी अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यस्टरडे टुडे टुमारो इन द लास्ट 7 days लास्ट वीक दिस वीक, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप इन ऑप्शन को खूबसूरत तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख है 3/6/2018 यानी कि 3 जून 2018, तो मैं सिलेक्ट करूंगा टूडे और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा टूडे उसके बाद मैं जिस भी कलर से हाईलाइट करना चाहता हूं मैं वो कलर दे दूंगा और उसके बाद जो है वो खूबसूरत तरीके से उसको उस कलर से हाईलाइट कर देगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम करता है आपके लिए। आप इसको ओके कर दे तो देखिए आप फिल कलर ग्रेडियंट तरीके से आ चुका है, डेट के लिए भी आ चुका है। इसके अलावा इसके अंदर एक और लास्ट ऑप्शन होता है डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर अगर कहीं डुप्लीकेट वैल्यूज हो रही हो, जो वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट हुई हो, उनको अगर आप कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। मैंने उसके लिए इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रोस और डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर क्लिक कर दिया। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, आप यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज को, आप जिनको भी हाईलाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट किया और कस्टम फॉर्मेट के अंदर मैं जाता हूं और इस यहां से इस बार दूसरा कलर लेता हूं फिल कलर से और इसके अंदर मैं इफेक्ट डालता हूं, ओके करता हूं, ओके करता हूं और ओके करता हूं। देख रहे हैं आप एक बारी भी जो है ये कलर से हाईलाइट नहीं हो, क्योंकि यहां पर जितनी वैल्यूज है वो सारी यूनिक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर 989 एक बार है, मैं एक बार और लिख देता हूं और मैं एंटर करूंगा, आप देखेंगे वो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर 1241 है एक बार है, मैं एक और बार लिख देता हूं 1241, ये देख रहे हैं आप
कलर से ये, क्योंकि ये वैल्यूज एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं। आई होप कि आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स को कैसे यूज करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, टॉप बॉटम रूल्स, इनको मैं इनके सभी ऑप्शन को सिखाऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप मेरे उस वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे खूबसूरत फीचर को सीखते रहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बहुत सारे मेथड बताने वाला हूं। तब तक के लिए गुड बाय।